यूपी के बिजनौर में छात्र को स्कूल में बंद कर गए शिक्षक, लोगों ने ताला तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। दिल्ली के पश्चिम बिहार में दो बहनों की हत्या की गुत्थी सुलझी, प्लंबर समेत चार आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मुंब्रा बाईपास रोड पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराया, सीसीटीवी में घटना का वीडियो। बदायूं में पटाखा दुकान में विस्फोट से 8 लोगों की गई जान, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। बदायूं विस्फोट में 2 लोग घायल, मृतकों के रिश्तेदारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। यूपी एसटीएफ ने फर्जी ब्लड बैंक चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया, गिरोह के सरगना समेत सभी आरोपियों की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना जारी, सरकार से चीनी मिल चालू कराने की मांग। अब जौनपुर में यूपी पुलिस परिवार के नाम से सरकार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, पुलिस अधीक्षक ने शरारती तत्वों की बताया करती। यूपी के ललितपुर में दबंगों की पिटाई से घायल व्यक्ति का गलत इलाज करने का आरोप, जिला अस्पताल में चोट लगे पैर की जगह दूसरे पैर का किया एक्सरे। यूपी के उन्नाव में अजगर देखे जाने के बाद दहशत, गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी, पुलिस ने काबू करके दूसरी तरफ छोड़ा। यूपी के अमेठी में 3 ट्रकों की जोरदार टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 लोग गिरफ्तार, प्रशासन कर सकता है एनएसए के तहत कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सिवनी में टोल नाके पर तोड़फोड़, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक और उसके साथियों पर आरोप। बागपत में अस्पताल में आग लगने से रिकॉर्ड रूम में रखा सामान जलकर राख, सभी मरीज जिला अस्पताल रेफर। हैदराबाद में पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू के मामलों में इजाफा, अब तक 95 मरीज पॉजिटिव पाए गए। बिल्डर आम्रपाली ग्रुप के ऑडिटर्स को सौंपने होंगे सभी दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फॉरेंसिक जांच के लिए देने होंगे सभी कागजात।